वेलकम टू कैट कंप्यूटर। आज हम अपने एमएस असेंबली का पार्ट 6 मॉडलिंग करने वाले हैं। ओके, तो चलिए चालू करते हैं। नाइन्टी का हेक्स है, 27 mm। इसको फुली डिफाइन करना है तो यहाँ से इसको सिलेक्ट करते हैं। हमारा फुली डिफाइन हो गया, आई थिंक इन दो वैल्यू की जरूरत ही नहीं थी। इसकी लेंथ है 27 mm, एक्सट्रूड करते हैं 27 तक। देन 25 mm का 30 mm तक ग्राउंड ब्लॉक है। देन 17 mm की 18 mm तक। एंड ऑफ द 12 mm 350। अब हमको इसका थ्रेड्स बनाने हैं, तो इसकी थ्रेड बनाने के लिए हम स्वेप कमांड का यूज़ करेंगे। आपको कितना रिवोल्यूशन है, कितना पिच रखना है, आप ऐसे डिसाइड कर सकते हो। हाई 10 रिवोल्यूशन, ओके, रिवर्स डायरेक्शन। इसको पूरा 350 तक ही रखता हूँ। रेवोल्यूशन हमारा आई थिंक 35 था। हो गया। एंड यहाँ पे हमको प्रोफाइल बनाना है, उसके लिए हम न्यू प्लेन लेंगे। प्लेन लेते हैं, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे, नेक्स्ट सेकंड का इसका एंड फेज है, उसे सेलेक्ट करना है। नहीं हुआ, अब क्या करेंगे, सॉलिड ब्लॉक को हाई कट कर देते हैं, देन इसको सिलेक्ट करते हैं, देन इस पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं, तो आपको इजीली पॉइंट मिल जाएगा। इस सॉलिड ब्लॉक को शो कर दीजिए एंड इसके ऊपर हमको स्केच करना है 3x3 का स्क्वायर। 3 tab 3, देन स्वाइप में प्रोफाइल एंड पाथ। ओके, इसको हमको आउटर रखना था, हमने इनसाइड किया है ना, इसको मैं आउटसाइड करना था 3x3 का।
जिससे मटेरियल ऐड करें ना कि रिमूव। स्वाइप प्रोफाइल एंड पाथ। मर्ज ट्रांजिशन फेस अलाइन विद एंड फेस, इससे हमारे दोनों साइड फेसेस अलाइन हो जाएंगे। इसमें कुछ जीरो थिकनेस जैसे कुछ समथिंग कर रहा है, बोल रहा है। अब इसके लिए हम यहाँ पे स्केच में आके इसके स्केच एडिट करेंगे एंड इस पोर्शन को इस पोर्शन के साथ इस लाइन को इस पोर्शन के साथ कनेक्शन का कोई प्रोफाइल नहीं आ रहा। अब दिख रहा है एक छोटा सा डिस्टेंस है उसकी वजह से ऐसा हो रहा है और कुछ नहीं है। डिस्टेंस को फुलफिल करने के लिए हमको इस पॉइंट को थोड़ा अंदर लेना पड़ेगा, माइनस अंदर। हम फिर से एक बार ट्राई कर रहे हैं स्वाइप से, स्वाइप स्केच प्रोफाइल पाथ। ऐसा क्यों हो रहा है, जीरो थिकनेस ज्योमेट्री क्यों बोल रहा है? मैं इसको फिर से स्केच करता हूँ। दिस टाइम इसको 3 टैब 3 इतना रखता हूँ, 0.5 से मैं बैक भी रखता हूँ, 0.2 ऐसे क्या है ना, उसका फेस से टेंजेंट हो जाएगा। ऑप्शनल ये हो गया, इसके भी जो गैपिंग जनरेट हो रही थी उसके वजह से ऐसा हो रहा था। बट यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे कुछ खराब सीनियर जो दिख रहा है मेरे को, ये थिन फीचर यूज कर रहे हैं ऐसा क्यों? पार्ट के पॉइंट्स तो नॉर्मल ही आने चाहिए थे।
हम थिन फीचर को अनटिक भी नहीं कर पा रहे हैं। ये भी रॉन्ग है, स्वाइप्ड प्रोफाइल एंड पाथ क्लिक। अब ये थिन नहीं हुआ है, इशू वही था कि ये ना इसके सरफेस में पूरा टच होना चाहिए, थोड़ा भी डेंसेस होगा तो नहीं होगा, जीरो थिकनेस जैसा वैल्यू आएगा। ओके इसको हाइड करते हैं। एंड इस फेस को रिमूव, इसको पैरेलल करने के लिए अब ऑप्शन से मर्ज टेंशन फेस पैरेलल अलाइन विथ फर्स्ट फेस को कर दीजिए, तो ये दोनों अलाइन हो जाएंगे यहाँ पे भी यहाँ पे भी। अगर 2x3 था, हमें 3x2 का प्रॉब्लम होना है, तो वो चेंज करने के लिए सिंपली यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे आ जाते हैं। हमारा था 3x2, तो 3 रहेगा बट ए वैल्यू 2 हो जाएगा, और हमारा स्क्वायर ने पैरेलल रिलेशनशिप डिलीट करना पड़ेगा, तो ये दोनों सेम वैल्यू की हो जाएगी 3। तो हमारा 3x2 का हो चुका है। ओके वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल बनाए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए गाइस।